शीला, यमुनानगर से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जिला यमुनानगर में हर दिन जो क्राइम बढ़ रहा है, इसी बढ़ते क्राइम के चलते कुछ दिन पहले ससौली रोड पर एक व्यापारी की गणेश ट्रेडर शॉप पर दो अज्ञात बदमाशों के द्वारा दिन दहाड़े गोरियां बरसाने का मामला सामने आया था और आज इसी केस में जिला यमुनानगर के पुलिस प्रशासन को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बताना चाहेंगे कि उस केस में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, दो आरोपी पुलिस कस्टडी में है। आगे के लिए पूछताछ की जा रही है कि कितने लोग इसमें शामिल थे। सहारनपुर के सरसावा में रह रहे थे दोनों आरोपी। हर दिन जिला यमुनानगर में अगर हम क्राइम की बात करें तो इसी क्राइम के चलते जो जिलावासी हैं उनके अंदर लगातार डर बैठ चुका है। तस्वीरें लगातार आपको इस समय यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से जिला यमुनानगर के जिला सचिवालय से दिखा रहे हैं। आगे के लिए पूछताछ की जा रही है। आप देख सकते हैं कि हर दिन कभी हत्या का मामला सामने आता है, कभी फायरिंग का मामला सामने आता है, तो कभी चोरी और डकैती का मामला सामने आता है और हर दिन जिला यमुनानगर में किस तरह से क्राइम जो है चरम सीमा पर पहुंच चुका है। जिला यमुनानगर की गिनती शांत इलाकों में गिनी जाती थी, लेकिन आज जिला यमुनानगर आपराधिक गतिविधियों के चलते क्राइम का अड्डा बन चुका है। तस्वीरें इस समय की आपको लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अपील है जो जो दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आगे के लिए पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा जी से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आगे के लिए क्या कुछ कार्यवाही की जाएगी। नमस्कार, मैं मनदीप कर और आप देख रहे हैं यमुनानगर सिटी न्यूज। जिला यमुनानगर से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपने चैनल के माध्यम से आप दर्शकों के बीच में लेकर आए हैं। आए दिन अगर हम जिला यमुनानगर की बात करें तो क्राइम आज चरम सीमा पर पहुंच चुका है और इसी क्राइम के चलते आपको बताना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले आप लोगों के बीच में ससौली रोड से खबर लेकर आए थे कि ससौली रोड पर एक व्यापारी की गणेश ट्रेडर शॉप के ऊपर दिन दहाड़े दो अज्ञात बदमाशों के द्वारा किस तरह से गोलियां बरसाने का मामला सामने आया था और आज जिला यमुनानगर के पुलिस प्रशासन को एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इसी केस में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सहारनपुर के सरसावा में रह रहे थे दोनों आरोपी। आगे के लिए सख्त से सख्त जो है कार्यवाही की जा रही है और पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा जी से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आगे के लिए क्या कुछ कार्यवाही की जाएगी। तो पूरा मामला जानने के लिए हमारे यमुनानगर सिटी न्यूज चैनल पर हमारे साथ लाइव बने रहे और ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर जरूर करें। सर, पीवीसी शीट कारोबारी के सर के होती और फायरिंग का एक मामला था, उसमें किस गिरफ्तारी में सर क्या जानकारी जी? इस मामले में गणेश ट्रेडर्स जो पीवीसी फिटिंग का कारोबार करते हैं, इनको एक कॉल आई थी पहले, एक्सट्रॉशन कॉल, और उसके बाद इनकी जो शॉप है वहाँ पे फायरिंग भी हुई थी। तो इस मामले में पुलिस ने पहले एक मुकदमा दर्ज किया था एक्सटॉर्शन पे और उसके बाद फिर फायरिंग वाले इंसिडेंट पे भी एक FIR दर्ज की गई है। तो इसकी तुरंत घटना के बाद विभिन्न टीमों का गठन किया गया था, इसमें टेक्निकल टीम, हमारी फील्ड टीम थाने से और स्पेशल स्टाफ जो SI राजेश कुमार का है वो भी इसमें लगे थे। तो इस स्पेशल स्टाफ को जो है वो इसमें कामयाबी मिली और इसमें जो पूरा जो इसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन हुई, इसके चलते दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है जिनके नाम दुष्यंत और सागर, और ये जो निवासी हैं ये सरसावा के हैं जी। ये है गांव बलसवा गांव नागल थाना से सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि अभियुक्त है दुष्यंत, और जो सागर है वो गांव बीजोपुरा, ये भी डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में है। तो इस मामले में पुलिस ने IPC 307/34 और 25 आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। तो इनको इनसे जब इंटरोगेशन की गई और जब इनसे इसके बारे में गहनता से पूछताछ की गई तो फिर इसके घटना का सारा पता उन्होंने बताया, जो डिस्क्लोज किया उसके मुताबिक एक नरेंद्र राणा नाम का व्यक्ति है जिसने इनको जो एक्सटॉर्शन कॉल है वो की थी, और उसके बाद इनके जो साथी हैं जो दो गिरफ्तार हुए हैं, दुष्यंत और सागर, इनमें जो है वो जो घटना के दौरान यूज़ की गई मोटरसाइकिल है वो ड्राइव कर रहा था और उसका एक और साथी भी था साथ में, और जो बाकी भी इस घटना से जुड़े हुए अन्य व्यक्ति हैं उनको भी हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे
इसकी सारी जो वर्किंग है उसको हमने जाना है कि उन्हें किस प्रकार से प्लानिंग की। और फिलहाल जो है इनको इस मुकदमे के तहत जो रंगदारी और फायरिंग का था उसके तहत गिरफ्तार किया गया है, और उसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक इनपुट, स्पेसिफिक जैसे हमने सीसीटीवी फुटेज या अपनी बाकी ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस से जब पता लगाया तो इन पे हमने ज़ीरो इन किया और फिर हमारी टीम ने इन्हें गिरफ्तार किया। जहाँ तक HDFC बैंक में लूट विद मर्डर की घटना का सवाल है, उसमें ऑलरेडी हमारी डिफरेंट टीम्स जो हैं वो अलग अलग उस पे फ्रंट्स पे काम कर रही हैं, उसमें हम स्वयं भी काम कर रहे हैं, बाकी एजेंसियों की भी मदद ले रहे हैं। फिलहाल ये कहना मुश्किल होगा कि ये उस वारदात में थे या नहीं थे, और मैं इस वक्त आपके साथ ये ज़रूर शेयर कर सकता हूँ उसमें भी हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है और हमारी टीम्स जो हैं वो काफ़ी एडवांस स्टेज पे हैं, और हमें उम्मीद है कि बहुत ही जल्द उसमें भी हमें कामयाबी होगी। कौन सा वेपन, कौन सी मोटरसाइकिल और इनकी क्या क्या प्लानिंग थी उसके बारे में उन्हें जानकारी की है। अन्य गिरफ्तारियों करने के लिए और इसमें जो भी इसमें इंसिडेंट में यूज़ किया गया वाहन, वेपन वगैरह हैं उनको रिकवर करने के लिए हमने माननीय न्यायालय से 5 दिन का रिमांड मांगा था, और न्यायालय ने इसमें 4 दिन का रिमांड जो है वो मंजूर किया है, और इसके दौरान हमें कॉन्फिडेंस है हमारी टीम को कि हम बाकी गिरफ्तारियों और जो मुख्य अभियुक्त अभी रह रहे हैं उनको भी जल्दी गिरफ्तार कर लें। रिकॉर्ड है और वो कर रहा है, और फिलहाल जैसे मैंने पहले बताया कि फाइनेंशियल बेनिफिट जो दुष्यंत को दिलवाने के नाम पे इन्होंने सारी और प्लानिंग की, तो अभी जब बाकी अभियुक्त इसमें आएंगे तो हमें ये क्लियर हो पाएगा कि इस प्लानिंग से ऊपर भी इनकी कोई प्लानिंग थी या नहीं थी, उससे फिर मुख्य अभियुक्त का पता लगता है। सर ज़्यादातर राणा कहाँ से बिलोंग करता है जी? नरेंद्र राणा का जो ये इनका गांव है कुतुबपुर जो है डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर का, ये वहाँ का रहने वाला है और इसको आमतौर पर नरेंद्र कुतुबपुर के नाम से भी जाना जाता है। सर ज़्यादातर मामलों में यूपी का लिंक नज़र आता है किसी भी आपराधिक वारदात में, तो उसके लिए क्या विशेष इंतजाम है? देखिए इंतज़ाम जैसे अब हम मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पुलिस हेडक्वार्टर से हमारे माननीय DGP साहब का भी, तो हमने रिक्वेस्ट की है तो कुछ जो बाहर से फोर्स जो है आर्थिक तौर पर वो हमें प्रोवाइड की गई है, हम उसको डिप्लॉय करेंगे। जो कॉम्बिंग है यूपी बॉर्डर के आसपास या नाकाबंदी है उसको भी सुदृढ़ किया जाएगा, और साथ साथ जो सरप्राइज एलिमेंट है उसमें वो भी मेंटेन किया जाएगा। कि लूट और अन्य मर्डर और सीरियस ऑफेंसेस के हैं अटेम्प्टेड मर्डर के वो इन पे हैं, और जैसे मैंने पहले बताया कि हमारी अन्य टीम्स जो हैं वो इसकी तलाश के लिए भी हैं, और जो अन्य अभियुक्त इस घटना में रह रहे हैं उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाए, इनकी गिरफ्तारी की गई है। और इसमें इनकी टीम ने जो SI राजेश हैं और उनकी टीम ने जो हमारे जो लोकल इंटेलिजेंस थी और जो हमारी टेक्निकल टीम है उन्होंने भी मिलजुल के काम किया, और ये भी इन्होंने अपनी ओर से जैसे आपको पता है इस घटना में उन्होंने अपने मुंह ढके हुए थे और वो स्पष्ट नहीं था, और जो मोटरसाइकिल जिसका यूज़ भी इन्होंने किया क्राइम में उसमें भी नंबर नहीं था, तो अभी तक जो है वो टीम ने अच्छा काम किया, और जो इस बुद्धि से जुड़े हुए अलग बाकी जो अभी अनसुलझे पहलू हैं उनको भी हम जल्दी सुलझा। सर ये सागर का भी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है सागर या अभी तक? देखिए जो हमने वहाँ लोकल पुलिस स्टेशन से चेक किया है अभी तक फिलहाल मुताबिक रिकॉर्ड वहाँ पे नहीं है, जब इनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी और जैसे मैंने कहा कि सबको जो बाकी इस गैंग के मेंबर रह रहे हैं जब इनको मिला के पूछताछ और कन्फ्रंट किया जाएगा फिर ये पता लगेगा कि क्या इनकी इन्वॉल्वमेंट किसी ऐसे मामले में है जो कि अभी तक दर्ज नहीं है। तो जो थे अभी तक जितनी पूछताछ हुई है इसके मुताबिक तो वो स्वयं जो थे वो सरसावा में थे, वो ढाबा है ना, ढाबे पे बैठ के वहाँ पे उन्होंने की थी, पर जिन लोगों ने इन्होंने फायरिंग की वो पहले ही एडवांस में आके यहाँ पे रेडी करके गए थे और उन्होंने फिर इस घटना को अंजाम दिया। क्योंकि अब इसमें कुछ इसके पीस जो हैं वो बाकी जब सभी अभी गिरफ्तार हो जाएंगे तब ये सबसे वेरीफाई करके होगा, पर अभी तक ये है कि
जो लोग इसकी मोटरसाइकिल चलाने में मौजूद थे और जिनके कहने पे ये प्लानिंग के तहत ये घटना को अंजाम दिया, जिनको नॉलेज थी कि ये होने जा रहा है, उन दो लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और बाकी अन्य जितने भी लोग होंगे उन्हें भी जल्द से जल्द जैसे लेनदारी थी या इन पे कर्जा था तो उसको रिकवर करवाने के लिए इन्होंने जो है वो इकट्ठे मिलके प्लानिंग की और उसको यूज़ किया। और जो इनके गैंग के बाकी सदस्य हैं जैसे दुष्यंत और सागर और एक अन्य व्यक्ति अभी का भी नाम सामने आया है जो एक्चुअली पिलियन राइड कर रहा था पीछे, और तो उन सब ने मिल के क्योंकि ये सारे डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में है और अपना प्रभुत्व इसमें बनाना चाहते हैं, तो इसलिए इन्होंने मिल के प्लानिंग की और एक ढाबे पे बैठ के इसकी सारी प्लानिंग की, पहले आके रेकी भी की इसकी, और तो ये सारा घटना में अंजाम दे के अपने फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए इसमें इनको सपोर्ट कर रहे थे ताकि ये ऐसे ही इस प्रकार से एक्सटॉर्शन करके एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाएं और अपने जो गैंग का जो काम है इनका, जो इस प्रकार का अवैध कारोबार है, इसको आगे बढ़ाएं।